कपूर फैमिली का हर एक सदस्य अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, फिर वो इंडस्ट्री से जुड़ा हो या किसी और पेशे से। दिव्यंगत एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लाडली बेटी रिधिमा कपूर साहनी भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। हालांकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोसों दूर रही हैं, जबकि कपूर खानदान की दो लाडलियां करीना और करिश्मा बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस हैं और लाइमलाइट में भी बनी ही रहती हैं। लेकिन उनके उलट रिधिमा कपूर साहनी लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। लेकिन क्या रिधिमा को फिल्मों से दूर रखा गया? खबरों के माने तो कपूर खानदान की परंपरा थी कि वो इस खानदान की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती, तो वहीं ऋषि कपूर भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों से दूर रहे। जबकि रिधिमा कपूर को छोड़कर उनकी मां नीतू कपूर भी फेमस एक्ट्रेस रही हैं। भाई रणवीर कपूर और पिता ऋषि कपूर भी सुपरस्टार एक्टर रहे हैं। लेकिन रिधिमा क्यों उस इंडस्ट्री में नहीं आ पाई? इसका जवाब रिधिमा ने खुद ही दिया था। चलिए इस पैकेज में हम आपको रिधिमा कपूर की लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं। रिधिमा कपूर साहनी का जन्म 15 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने लंदन में अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया है। फिल्मी घराने से होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में करियर ना बनाकर फैशन डिजाइनर बनने का फैसला किया था, क्योंकि रिधिमा शुरू से ही सिंगिंग, फैशन और डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। बस वो अपने इसी शौक को आगे लेकर गई और आज वो एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं। वो आर नाम से एक ज्वेलरी ब्रांड चलाती हैं जो काफी फेमस है। सोशल मीडिया पर रिधिमा अक्सर अपने इन डिजाइन की हुई ज्वेलरी की फोटोज शेयर करती ही रहती हैं। रिधिमा कपूर ने फैशन इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया है और कई फिल्मों के लिए ड्रेसेस डिजाइन भी कर चुकी हैं। करीना और रिधिमा के नाम से जुड़ी भी एक दिलचस्प बात है जो शायद आपको पता नहीं होगी। दरअसल करीना कपूर और रिधिमा के जन्म में सिर्फ 6 दिन का फर्क है। रिधिमा करीना से 6 दिन बड़ी हैं, जहां करीना कपूर 21 सितंबर को तो वहीं रिधिमा 15 सितंबर को पैदा हुई थी। जिस समय करीना कपूर बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रही थी, उस समय रिधिमा लंदन में पढ़ाई कर रही थी। जब दोनों का जन्म हुआ था, उस वक्त देश भर में गणपति उत्सव चल रहा था, तो उस समय दादा राज कपूर ने कहा था कि मेरे घर रिद्धि और सिद्धि आई है। भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि से प्रेरित होकर राज कपूर ने रणवीर की बहन का नाम रिधिमा और करीना का नाम सिद्धिमा रखा था। हालांकि ऋषि और नीतू ने अपनी बेटी का नाम रिधिमा ही रहने दिया, लेकिन माँ बबीता को बेटी का ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने सिद्धिमा से बदलकर करीना कर दिया। आज रिधिमा अपने ज्वेलरी ब्रांड में और फैशन डिजाइन के दम पर करोड़ों का बिजनेस करती हैं और इंडस्ट्री से दूर रहकर भी करोड़ों की मालकिन हैं। भले ही वो फिल्मों से दूर हों, लेकिन माँ व कपूर परिवार के साथ वो अक्सर बॉलीवुड पार्टीज व इवेंट्स में एंजॉय करती दिख जाती हैं। रिधिमा ने दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की। दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी और इसके 3 साल बाद साल 2006 में दोनों ने शादी कर ली थी। भरत की अपनी गारमेंट कंपनी और फैशन हाउस है। दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है। भाई रणवीर की शादी में रिधिमा ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।